अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो यहाँ पे मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं शरबत बना रही हूँ। तो मैंने 1 टेबल स्पून शक्कर शामिल कर दिया है और इसमें मैंने रूह अफ़ज़ा शामिल कर दिया है और एक और चम्मच मैं शामिल कर दूँगी। हमारे घर में ये इफ्तारी में बनना बहुत ज़रूरी है, इसे इफ्तारी वाली शरबत बोलते हैं हम लोग। जब तक ये रेड कलर की शरबत ना बने, इफ्तारी इफ्तारी नहीं लगती। तो ये दस्तरखान पे मौजूद होना ज़रूरी होता है। तो शक्कर शामिल कर दिया, 2 चम्मच रूह अफ़ज़ा शामिल कर दिया मैंने, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, मैंने अच्छी तरह घोल लिया है। जब शक्कर डिज़ोल्व हो जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए, तो इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच काला नमक, दैट्स ब्लैक सॉल्ट, वो शामिल करके मिक्स कर दिया है। खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक, रूह अफ़ज़ा और शक्कर अच्छी तरह आपस में डिज़ोल्व हो जाए। आप देख सकते हो कि ये मैंने मिक्स कर दिया है, ये यहाँ हो गया। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पे 2 नींबू को मैंने कट कर लिया है, यानी कि इसके 4 पीसेस हो गए हैं। तो 2 नींबू का रस इसमें शामिल कर दूँगी। नींबू का रस शामिल करेंगे रूह अफ़ज़ा में तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है शरबत का, और इसे पीने से जिस्म में पूरी तवानी आ जाती है, रिफ़्रेशमेंट आ जाता है एक तरीके का। तो जब भी आप रूह अफ़ज़ा बनाएं तो लेमन ज़रूर शामिल कीजिए। मैं हमेशा शामिल करती हूँ, और इस तरह की रेड वाली इफ्तारी वाली शरबत हम बोलते हैं तो वो मैं बनाती ही हूँ, क्योंकि ये दस्तरखान पे ना रहे इफ्तारी के तो इफ्तारी इफ्तारी नहीं लगती। तो ये शरबत बनना तो लाजमी है। चाहे दूध की शरबत कितनी भी बना लो, कस्टर्ड बना लो, मीठा कुछ भी बना लो, लेकिन जब तक ये रूह अफ़ज़ा वाली शरबत ना हो तो दस्तरखान पे रौनक नहीं आती इसकी। तो यहाँ पे मैंने 2 नींबू का रस शामिल कर दिया है, अच्छी तरह मिक्स कर दिया, और अब मैं इसमें ठंडा पानी शामिल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चिल्ड वाटर शामिल कर दिया है और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं मिक्स करने के बाद तुखमलंगा शामिल करूँगी मैं, और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। या आप देख सकते हो साइड में मैंने सब्ज़ा जो बोलते हैं वो भिगो के रखा है, तो वो भी मैं शामिल कर रही हूँ। इसे शामिल करने से कलर और अच्छा आने के लिए और भी मैंने रूह अफ़ज़ा शामिल कर दिया कि रेड कलर और अच्छा दिखे, देख के ही रूह को ठंडक मिले। रूह अफ़ज़ा है तो रूह की ठंडक तो लगे ही। तो यहाँ पे मैंने वाटरमेलन भी ले लिया है, तो अब मैं वाटरमेलन के पीसेस कर लूँगी, बारीक बारीक चंक्स निकालूंगी। लेकिन मुझे इसके बीज नहीं चाहिए, तो मैं इस तरीके से काटूंगी कि इसके बीज ना आए शरबत में। ये डालने से शरबत का जायका दुबाला हो जाता है वाटरमेलन के चंक्स डालने से, लेकिन मुझे इसके बीज नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हो मैं साइडों से किस तरीके से कट करके ले रही हूँ, और मैक्सिमम जितना हो सके उतना बीज जो है, इसके सीड्स जो है वो अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि पीते वक्त फिर ये आते हैं तो मुझे मुंह में फिर जमते नहीं है पीने के लिए। तो मैं साइडों से ही इसके चंक्स कट करके निकाल रही हूँ, और बीज इसके मैंने छोड़ दिए हैं। आप देख सकते हो मैंने पूरा बीन छोड़ दिया और साइडों से ही कट करके देखे चंक्स निकाल लिए। अब ज़रा भी इसमें एक भी बीज नहीं है वाटरमेलन का, और जो तुकमलंगा भिगो के रखा था मैंने, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो अब मैं इसमें ग्लासेस में भर के रख दूंगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो ये काम मैं पहले ही कर देती हूँ, क्योंकि इसे ठंडा करना पड़ता है फ्रिज में रख के। बहुत रिफ़्रेशिंग शरबत बन जाती है वाटरमेलन डालने से, क्योंकि वाटरमेलन की तासीर भी ठंडक है और सब्ज़े की तासीर भी ठंडक है। तो पीने से जिस्म में ठंडक, पेट में भी ठंडक लगता है और रिफ़्रेशमेंट भी आता है। तो शरबत होने के बाद अब मैं यहाँ पे कीमे के कटलेट बनाऊंगी, सेम बॉम्बे स्टाइल के, जैसे जिसे मीनारा मस्जिद में मिलते हैं बॉम्बे में, उस तरीके से। तो आधा किलो कीमे को मैंने वॉश करके छन्नी से ड्रेन कर लिया था, और यहाँ पे मैंने एक कड़क पाव मेरे पास बचा हुआ था तो मैंने वो पानी में भिगो दिया, और 5 स्लाइसेस मैंने ब्रेड के भिगो दिए। ये मेरे पास थे तो मैंने भिगो दिए हैं। आपके पास अगर नहीं है, सिर्फ नरम पाव है, तो भी आप डाल सकते हो। अगर आधा किलो कीमा है तो 4 नरम पाव लीजिए,
और अगर नरम पाव नहीं है तो ब्रेड हो गए तो वो 10 ले लीजिए, 10 ब्रेड को पानी में भिगो लीजिए। मेरे पास थोड़े ब्रेड पड़े हुए थे और कड़क पाव पड़े हुए थे, तो ये वेस्ट क्यों करना, वेस्ट ना हो और कुछ काम में आ जाए, इसके लिए मैंने कड़क पाव और ब्रेड के स्लाइसेस, 5 ब्रेड के स्लाइसेस पानी में अच्छी तरह भिगो दिए थे। और अब मैं निचोड़ के पूरा पानी उसका निथार रही हूँ, पूरा स्क्वीज़ कर लेंगे और इसमें से पानी पूरा निकाल लेंगे। लॉकडाउन चल रहा है तो छोटी सी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ रहा है, तो ये ब्रेड और पाव वेस्ट ना हो, तो इसके लिए सोचा कि आज कटलेस ही बना देते हैं। तो ये मैं बॉम्बे स्टाइल में ही बना रही हूँ, जिस तरह बॉम्बे मीनारा मस्जिद के पास कीमे के कटलेस लगते हैं, स्टॉल्स लगते हैं इफ्तारी के शाम में, तो मैं वही बनाने जा रही हूँ उसी तरीके से। आप मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, राहत किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए। और ऐसी नई नई रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल बटन भी ज़रूर दबाइए। तो यहाँ पे मैंने पूरे पाव को, ब्रेड को अच्छी तरह स्क्वीज़ करके पूरा पानी इसका निकाल लिया। अब देख सकते हो मैंने कितना निचोड़ लिया है, पूरा पानी दबा दबा के निकाल लिया, इतना पानी निकल चुका है। और ये पूरा अभी मैं ब्रेड कीमे में डाल चुकी हूँ, यहाँ पे हो गया। तो अब हम इसके मसालों की तरफ चलेंगे। तो मसाले बता देती हूँ आपको, 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून मैंने भुना कुटा ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी दैट्स टर्मरिक, 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, और 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। ये मसाले मैंने शामिल कर दिए। और अब मैं एवरेस्ट का मीट मसाला शामिल कर रही हूँ, इससे डालने से मीट का, कीमे का जायका और दुबाला बन जाएगा। ये मैं मेरे स्टाइल में बता रही हूँ, ज़रूर ऐड कीजिए एवरेस्ट का मसाला। और आपको पता है ये मेरा फेवरेट मसाला है, जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता है मैं एवरेस्ट के मसाले यूज़ करती ही हूँ। और मैंने बारीक कटे हुए कोरिएंडर धो के बारीक अच्छी तरह चॉप करके वो भी शामिल कर दें, अच्छी तरह कीमा, ब्रेड के स्लाइसेस, तमाम पाउडर स्पाइसेस, कोरिएंडर सब कुछ अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह पूरा इस तरीके से मिक्स करना है कि ये पूरा एक दूसरे में जज्ब हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। ये यहाँ हो जाने के बाद इसे हम मैरिनेशन के लिए रखेंगे। यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर दैट्स क्यूमिन पाउडर, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये सब तमाम मसाले और एवरेस्ट का मीट मसाला शामिल कर दिया है। ये देखिए मैं हाथों से अच्छी तरह मसल मसल के मिक्स कर रही हूँ। हाथों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, बट यू वॉश योर हैंड बिफोर यू मिक्स, मेक श्योर। मैंने अपने हाथों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, वॉश कर लिया है सॉरी। और ये मिक्स होने के बाद मैं इसे कवर करके रख दूँगी। और यहाँ पर ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इसके लिए ब्रेड क्रम्स ज़्यादा लगते हैं, कीमा कटलेस के लिए ब्रेड क्रम्स ज़्यादा लगते हैं। ये कुछ मेरे पास ब्रेड्स पड़े थे तो मैंने उनका पहले ही ब्रेड क्रम्स बना के रख दिया था, और कुछ मैंने अभी फ्रेश बनाए हैं। मैं बचे हुए पाव और ब्रेड्स को कभी भी वेस्ट नहीं करती हूँ। तो ये यहाँ हो गया, मिक्स कर लिए, यहाँ पे रख दिया मैंने। तो अब हम चलते हैं दूसरी प्रोसेस की तरफ, जब तक हमारा कीमा मैरिनेटेड हो, मैरिनेशन पे है, हम दूसरी चीज़ की तरफ। तो यहाँ पे मैं मिक्स दाल के भजिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तुअर दाल, मसूर दाल, चना दाल और ग्रीन मूंग दाल, ये दालों को मैंने लिया हुआ है। आप अपने पसंद से बाय ऑल मीन्स कोई भी दाल ले सकते हो, या आप एक सिंगल दाल मूंग की दाल भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर मिक्स दालों को लिया है। और एक डली लहसुन की छील छील के 3 हरी मिर्चों को मैंने इसमें शामिल किया, 3 से 4 शामिल कीजिए, और थोड़ा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ज़ीरा मैंने 1/2 टीस्पून ज़ीरा और थोड़ा और ज़्यादा ज़रा सा और थोड़ा लिया है, यानी 1/2 टीस्पून से थोड़ा और नमक शामिल कर दिया है। अब ये शामिल कर दिया है तो अब हम इसे पीस लेंगे, लेकिन हमें मोटा ही पीसना है, दरदरा पीसना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए,
देखिए यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया, पेस्ट बना लिया है। तो पेस्ट बनाने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चाट मसाला पाउडर। बड़ा चटपटा सा जायका आएगा, फ्लेवर आएगा, इसका एनहांस हो जाएगा, इट विल एनहांस योर भजिया फ्लेवर। अब इसमें मैंने हाफ टी स्पून हल्दी, दैट्स टर्मरिक, शामिल कर दिया है। चाट मसाला शामिल कर दिया है हाफ टी स्पून में। चिली फ्लेक्स शामिल कर रही हूँ, आप ग्रीन चिलीज़ भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप 7 से 8 हरी मिर्चें डाल दीजिए, लेकिन मुझे ये दोनों डालना था तो मैंने दोनों शामिल कर दिया है। और बारीक कटी हुई कोरिएंडर्स यानी कि धनिया पत्ती, इन चीज़ों को शामिल करके अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। आप देख सकते हो मैं बता रही हूँ आपको, इसे मोटा मोटा ही पीसना है, दरदरा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, क्योंकि हमें इसके भजिए बनाने हैं। तो मैं इसे मोटा मोटा ही पीसूँगी। ये मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से चारों तरफ से। कुछ दाल ऐसे पीसना है कि कुछ दाल साबित दिखे। आई होप आपको कुछ दाल दिख रही होगा साबित। ये सब पीसना है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पीसना है। कुछ दालें साबित होना चाहिए, इतना ही पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। ये हो गया, मिक्स कर लिए। अब हम इसे भी साइड में रख के नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चल लेंगे। तो इसे भी अभी हम कवर कर लेंगे, वक्त टाइम बहुत जल्दी जल्दी भागता है शाम के वक्त, इफ्तार के वक्त भी। तो अब हम यहाँ पे अपने कीमे कटलेट्स की प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो मैंने एक इतना बॉल, आपको जितना बड़ा बॉल बनाना है उतना बड़ा बना सकते हैं। मैंने एक दरमियाना साइज़ का बॉल बनाया है, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। तो बस इसी साइज़ के मैं बॉल्स अभी बना के रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बॉल्स बना लिए हैं, 2 अंडों को मैंने फेंट लिया है, लेकिन प्लेट में फेंटना है, ध्यान रहे, प्याले में नहीं, बोल में नहीं, प्लेट में फेंटना है। तो 2 अंडे फेंट लूँगी, अच्छी तरीके से फेंटना है, अच्छी तरह बीट कर लेना है। और साइड में आप देख सकते हो एक खुली प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हुए हैं। तो ब्रेड क्रम्स भी आपको खुली प्लेट में ही लेना है, वो क्यों लेना है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अंडों को अच्छी तरह मिक्स कर, 1/2 किलो कीमा है तो 2 अंडे लाजिम लगेंगे। तो एक बोल उठा लिया मैंने, और अभी हम ये ब्रेड क्रम्स में इसी तरह प्रेस करते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, इसका साइज़ प्रेस कर कर के बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए अच्छी तरह क्रम्स में डाल के हाथों की मदद से ऐसे प्रेस करना है, फिंगर्स की मदद से, तो ये साइज़ में बड़े हो जाएंगे। ये देखिए, तो अब मैं इसे एक प्लेट में रख दूँगी। तो दूसरा बॉल भी ले लेंगे हम, कटलेट्स बना लेंगे उसके भी। तो क्रम्स में दबा दबा के हाथों की मदद से, फिंगर्स की मदद से इसे साइज़ में बड़ा करते जाएंगे। तो तमाम बॉल्स में इसी तरह बना के रेडी कर लूँगी। ये देखिए कैसे बड़ा बन गया, ठीक है। तो तमाम मैंने इसी तरह बना लिए, और अब मैं इसे फ्राई करूँगी। तो जो अंडे बीट करके रखे थे उस अंडे में डाल के मीडियम फ्लेम पे पैन में ऑयल छोड़ दिया है, और मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे। तो एक टाइम पे 1 या 2 ही शामिल कीजिए, ज़्यादा नहीं कीजिए, क्योंकि बिकॉज़ ये पलटाने में फिर प्रॉब्लम होगी। मेरे पैन में जगह थी तो मैंने 4 डाल दिए, बिकॉज़ मेरा पैन बड़ा है। तो ये यहाँ हो गया, तमाम कटलेट्स को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। तो मेरे कीमे कटलेट्स इज़ रेडी। थोड़ा सा नींबू भी रखेंगे, और नींबू स्क्वीज़ करके ही इसका टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो ये नींबू ज़रूर, लेमन ज़रूर यूज़ कीजिए। कटलेट्स फ्राई होने के बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ मेरे मिक्स दाल के भजिए। तो एक दूसरी कढ़ाई में मैंने ऑयल शामिल कर दिया, और ऑयल गर्म होने के बाद ऑयल को भी मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। तो अब हम भजिए के छोटे छोटे गोले बना के इसमें छोड़ते जाएंगे। आपको अगर बड़े छोड़ना है, बड़े बड़े गोले डालना है, तो आप बड़े भी भजिए बना सकते हो। मैंने एक दरमियानी साइज़ के भजिए लेकर
फ्राई करने के लिए छोड़ दिए हैं मीडियम फ्लेम पे। ध्यान रहे भजिए और कीमा कटलेट्स दोनों आपको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो इसमें अभी जितने बैठेंगे मैं उतने ही इसमें अभी कढ़ाई में शामिल करूँगी, जितने आएंगे उतने। तो यहाँ पे मैं बस डालते जा रही हूँ और जल्दी जल्दी भी निपटाने हैं काम। शाम का वक्त, इफ्तार का वक्त बहुत जल्दी निकल जाता है। तो यहाँ पे अल्टी पल्टी करते हुए हम क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची भजिए तलेंगे। तो इसे कंटिन्यू आपको चम्मच से हिलाना है, 5 मिनट के बाद आपको चम्मच से कंटिन्यू अलट पलट करना है। जब आप कढ़ाई में भजिए छोड़ देंगे तो 5 मिनट तक उसे हाथ मत लगाइए। 5 मिनट के बाद आप एक छलनी से, एक उलथनी या जो भी आपके पास है ऐसे होल वाली चम्मच जो भी होगी आपके पास, उससे आप 5 मिनट के बाद पलटते जाइए और अल्टी पलटी करते हुए ही इसे फ्राई कीजिए। ऐसा नहीं कि हमने डाल दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, कंटिन्यू फिर आपको चम्मच चलाना ही है और अलट पलट करते हुए इसे फ्राई करके निकालेंगे। तो इसे अलट पलट कंटिन्यू करेंगे तो उससे वो क्रंची बनेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो राहत किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। कुछ नया सीखने मिला है तो ज़रूर बनाइए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।